हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल आरके सिंपल क्लासेस, और मैं होप करता हूं कि आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट एनसीईआरटी क्लास 6, लेसन नेम इज ब्यूटी, पोएट नेम इज ईए श्योर। इन्होंने पोएट ने एक लेसन, एक पोयम लिखा है ब्यूटी, और आप जानते, यू नो वेरी वेल दैट ब्यूटी इज ब्यूटी, सुंदरता, खूबसूरती, इसी को इंग्लिश में ब्यूटी कहते हैं। और ब्यूटी के बारे में इन्होंने लिखा है, इससे पहले कि हम लेसन में आपको ले चलें, पोयम आपको पढ़ के सुनाएं और उसको एक्सप्लेन करें, बिफोर दैट क्या ये कह रहे हैं, व्हाट इज ब्यूटी, कह रहे खूबसूरती क्या होती है, सुंदरता क्या है, व्हाट इज ब्यूटी, पूछिए ऐसे प्रश्न लोगों से, व्हाट इज ब्यूटी, क्या होती है खूबसूरती, ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट ब्यूटी इज, ट्राई टू डिस्क्राइब, इसको आप ट्राई करिए, इसके बारे में वर्णन करिए कि ब्यूटी क्या है, और लिस्ट सम द थिंग्स आर पर्सन्स यू थिंक आर ब्यूटीफुल, या और माने या ओ आर, या आप ऐसे चीजों, ऐसे थिंग्स, ऐसे पर्सन्स की एक लिस्ट बना डालिए जिसको आप कहते हैं कि ये ब्यूटीफुल है, या जिसे आप कंसीडर करते हो कि दिस इज ब्यूटीफुल। तो भाई जिसको आप खूबसूरत, जिसको आप अच्छा मानते हो ना, कह रहा चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे जो भी चीज हो, आप उसकी लिस्ट बना डालिए। नाउ लेट अस रीड ए पोएम ऑन ब्यूटी, आइए ब्यूटी पर एक पोएम पढ़ते हैं। पोएम तो जानते हैं कितनी खूबसूरत चीजें होती हैं, ठीक है, ओके स्टार्ट। ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग आर डांसिंग फॉर दियर हार्वेस्ट। तो पोएट कह रहा है ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, ब्यूटी देखी जा सकती है, आप इसको सीन कर सकते हैं, ब्यूटी इज सीन, आप इसको देख सकते हैं, देखिए ब्यूटी कहाँ, इन द सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में, धूप में, द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग, पेड़ों पर, पक्षियों में, हर जगह आप ब्यूटी ही ब्यूटी देखिए, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग, फसल उगाने उगाते हुए लोगों को देखिए, या काम करते हुए लोगों को देखिए, या अपनी फसल को काटते हैं जब लोग, उसमें से वो डांस करते हैं तो उसको देखिए, हर जगह आप देखिए, ब्यूटी ही ब्यूटी है, देयर इज ब्यूटी एवरीवेयर। पोएट यहां पहला स्टैंजा यही बता रहा है कि ब्यूटी हर जगह है। आप जानते हैं कि इन आवर कंट्री देयर आर सेवरल फेस्टिवल्स व्हिच आर सेलिब्रेटेड ऑन द अकेजन ऑफ हार्वेस्टिंग, ऑन द सोइंग अकेजन, ऑन द हार्वेस्टिंग अकेजन, फसल के बोते समय, फसल के काटते समय, जस्ट लाइक बिहू एंड लोहड़ी इन पंजाब, बिहू इन आसाम, पोंगल इन साउथ इंडिया, देर आर मेनी फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड ऑन द अकेजन ऑफ हार्वेस्टिंग और सोइंग, बोते समय, काटते समय, फसल के तमाम त्योहार मनाए जाते हैं, लोग डांस करते हैं, खुशियां मनाते हैं, दे सेलिब्रेट। तो कहने का मतलब है ब्यूटी, वो कह रहा है कि यहां पोएट के कहने का मतलब है पूरे वर्ल्ड में आप जो भी देखो, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल एंड लुक ब्यूटी एवरीवेयर, सी द ब्यूटी एवरीवेयर, फाइंड आउट ब्यूटी एवरीवेयर, हर जगह ब्यूटी को देखिए, गॉड ने ब्यूटी ही ब्यूटी इस संसार में एकदम से भर दिया है। आपको पता होना चाहिए कि गॉड ने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है, तो गॉड ने इस वर्ल्ड में ब्यूटी ही भरा है, ब्यूटीफुल चीज ही बनाई है, गॉड ने कोई अगली चीज नहीं बनाया है, समझे, उन्होंने कोई ही अगली चीज बनाया ही नहीं, कोई बैड चीज बनाया नहीं, गुड चीज ही बनाया, गुड इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट स्टैंजा में ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट, विंड साइंग, रेन फॉलिंग और ए सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट। फिर कह रहे ब्यूटी हर्ड, ब्यूटी को सुना भी जा सकता है, सुंदरता सुनाई देती है,
खूबसूरती सुनाई भी देती है। कैसे? नाइट में सुनिए, विंड साइन, जब हवा सांस लेती आह भरती, वैसे साई मीन्स आह भरना होता है, हवा जब चलती है आह सांस जैसे सांस लेती है तो आप ब्यूटी महसूस कर सकते हैं। रेन फॉलिंग, जब बरसात होती है तो उसकी ब्यूटी क्या कहने भाई, सावन का महीना हो और सुंदरता चारों तरफ है भाई, देयर इज ब्यूटी अराउंड अस। और सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट, या कोई सिंगर गा रहा हो आनंद से, तो आप देखिए क्या ब्यूटी। हम लोग कोई जब कोई गीत गाता है बहुत ही ब्यूटीफुल मैनर में गाता है तो हम मिसमेराइज्ड हो जाते हैं, हम अपने आप को खो देते हैं, हम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। कोई जब पीकॉक डांस करता है या कोई जब कुक्कू बोलती है, ये सब क्या है, अपने भाषा में दे आर सिंगिंग, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, मिसमेराइज्ड हो जाते हैं। वी फॉरगेट आवर सेल्फ इन द ब्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉन्ग ऑफ ए कुक्कू, ऑफ ए सिंगर, ऑफ ए पीकॉक, पीकॉक की डांसिंग। तो कहने का मतलब ब्यूटी 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 इज हियर, ब्यूटी इज देयर, ब्यूटी इज एवरीवेयर, ये मेरी लाइन है कि ब्यूटी इज हियर, ब्यूटी इज देयर, ब्यूटी इज एवरीवेयर। ये गाइए आप लोग सिंपल से इंग्लिश में और अपने इंग्लिश को स्ट्रांग बनाइए। लास्ट स्टेंजम पोएट जो कह रहा है, ये गोल्डन लाइन है, दिस इज द मोस्ट मोस्ट ब्यूटिफुल लाइन ऑफ दिस पोएम। और क्या है, ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, सुंदरता आपको कहीं भी ढूंढे से नहीं पाएंगे, सिर्फ सुंदरता आपके अंदर है। ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, दिस इज द गोल्डन लाइन्स, जिसका मीन्स होता है, इसकी मीनिंग है, डोंट सी या फाइंड आउट या सर्च ब्यूटी इन अदर्स बिकॉज ब्यूटी इज इन योर सेल्फ। हम लोग क्या करते हैं, ब्यूटी को दूसरों में ढूंढते हैं। नो, पोएट इज फाइनली टेलिंग यू द अल्टीमेट लाइफ, अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ, दैट ब्यूटी इज इन योर सेल्फ एंड नोवेयर नथिंग, कहीं पर भी ब्यूटी नहीं है सिवाय आपके अंदर है। कहां पर है, कैसे है ब्यूटी, देखिए, ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट देमसेल्फ इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट। आप जो गुड डीड्स करते हैं, आप जो हैप्पी, आपके अच्छे खुश गमार, बहुत अच्छे अच्छे जो विचार आते हैं, दैट रिपीट देमसेल्फ, बार बार जब रिपीट करके आते हैं, पुनरावृत्ति करते हुए, इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट, आपके ख्वाबों में, आपके काम में और आपके रेस्ट में, जब आप आराम कर रहे होते हो तब भी वो आते हैं, यही सब है ब्यूटी। तो माय डियर, यहाँ पर कितनी अच्छी ये पोएम है, सुपर पोएम है, सुपर्ब पोएम रिटन बाय ईए श्योर, कि ब्यूटी इज एवरीवेयर, ब्यूटी इज हियर, ब्यूटी इज देयर, ब्यूटी इज एवरीवेयर, बट ब्यूटी इज इन योर सेल्फ। अब चलते हैं, जब आप ब्यूटी तलाशते हो तो आप उस गॉड को तलाशते हो। अब पूछो हाउ, भाई ब्यूटी से गॉड से क्या लेना देना है, व्हाई नॉट, गॉड हैज क्रिएटेड, गॉड हैज मेड दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वर्ल्ड, तो आप जब इस वर्ल्ड में ब्यूटी देखते हो तो इसका मतलब आप उस गॉड को देखते हो, और जब आप ब्यूटी देखोगे तो आपको मिलेगी प्लेजर या हैप्पीनेस, खुशी, प्रसन्नता, और खुशी और प्रसन्नता ही अल्टीमेट गोल होता है हमारी आपकी लाइफ का। हम आप क्यों जी रहे हैं, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मुझे भी हैप्पीनेस की तलाश है, कहीं ना कहीं मैं भी प्लेजर की तलाश में हूं, मुझे ये सब करने में अच्छा लग रहा है कि आपको मैं टीचिंग कर रहा हूं, दिस इज गिविंग मी ए टाइप ऑफ प्लेजर, मुझे इसमें ब्यूटी दिख रही है कि मैं अपने बच्चों को ब्यूटीफुल बना रहा हूं, हैंडसम बना रहा हूं, तो मुझे इसमें ब्यूटी दिख रही है। आपको जहां कहीं भी ब्यूटी दिखे वहां देखिए। तो कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, कि ब्यूटी को जब आप तलाशोगे तो आप प्लेजर पाओगे, और जब प्लेजर पाओगे तो यू विल रीच नियर टू गॉड, तो आप गॉड के पास पहुंचेगे, और यू विल स्टार्ट एप्रिशिएटिंग द वर्ड, यू विल स्टार्ट एडमायरिंग द वर्ड, यू विल स्टार्ट लॉर्डिंग द वर्ड। इस वर्ड को आप जब एप्रिशिएट करोगे, लॉर्ड करोगे,
तो ओ लॉर्ड खुश हो जाएगा, वो गॉड खुश हो जाएगा और कहेगा क्या यार, व्हाट ए मैन, ये है मैन, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर जो मैंने क्रिएट किया है। तो एवरीवेयर आप ब्यूटी को सी करिए, ब्यूटी को फील करिए, ब्यूटी को एक्सपीरियंस करिए और ब्यूटी के साथ ही प्लेजर और हैप्पीनेस आएगी और आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा और तब आप कहेंगे कि ब्यूटी इज हियर, ब्यूटी इज देयर, ब्यूटी इज एवरीवेयर। तो सो ऑलवेज सी ब्यूटी इन एवरीथिंग, ऑलवेज सी ब्यूटी इन एवरीथिंग, बिकॉज ब्यूटी इज हियर, ब्यूटी इज देयर, ब्यूटी इज एवरीवेयर। लेट अस सी, यहां पर आपके एक बहुत मशहूर रोमांटिक पोएट हुए हैं जॉन कीट्स महोदय सर। जॉन कीट्स महोदय लिखते हैं, कितना अच्छा उन्होंने लिखा है कि कैन यू, द पोएट सेज ब्यूटी इज हर्ड इन हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, माने जिनको हम सुन सकते हो तो स्वीट होती हैं, बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, लेकिन जिनको हम नहीं सुन सकते हैं वो और भी खूबसूरत होती हैं। जॉन कीट्स महोदय की ये लाइन है, बहुत ही फेमस लाइन है कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। तो जो गीत सुन लिए जाते हो तो स्वीट होते ही है, जो नहीं सुने जाते हो और स्वीट होते हैं, अंडरस्टैंड। यही कीट्स महोदय कहते हैं, इनकी एक वर्ल्ड फेमस लाइन है, यूनिवर्सल लाइन है, शायद ही कोई व्यक्ति जिसने इंग्लिश पढ़ा हो, जो इंग्लिश का नॉलेज रखता हो, शायद ही इस लाइन को ना जानता हो, शायद मैं कह रहा हूँ परहैप्स मे बी, अदरवाइज एवरीवन नोज दिस लाइन। और वो लाइन क्या है, इमॉर्टल लाइन, यूनिवर्सल लाइन, वर्ल्ड फेमस लाइन, ग्लोबल लाइन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये जॉन कीट्स की एक मशहूर वेरी फेमस पोयम है एंडीमियन से ली गई लाइन है, उसकी स्टार्टिंग लाइन है एंडीमियन की कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंग नेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये ब्यूटी पर क्लास सिक्स की आई हैव ट्राइड टू एनहांस योर नॉलेज, आई हैव ट्राइड टू एनलार्ज योर नॉलेज। ऐसे ही आप अपने नॉलेज को एनहांस करिए, इंक्रीज करिए, एनलार्ज करिए, एक्सपैंड करिए और आप एक दिन देखिएगा कि यू विल गेट योर गोल। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। Never to forget, subscribe my channel RK Simple Classes. My best wishes are with you. Goodbye to everybody. Thank you very much.